दोस्तों 2000 में ऋतिक रोशन जी की पहली मूवी आई थी जिसका नाम था कहो ना प्यार है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो जाती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है फिजा और भाई साहब ये मूवी सिनेमा घरों में एवरेज साबित होती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है मिशन कश्मीर और भाई साहब ये मूवी भी एवरेज हो जाती है। 2001 में इनकी मूवी आती है यादें और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है कभी खुशी कभी गम और ये मूवी सुपरहिट हो जाती है। भाई साहब इस मूवी को काफी सारे लोगों ने प्यार दिया था। 2002 में ऋतिक भैया जी की मूवी आती है आप मुझे अच्छे लगने लगे और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है ना तुम जानो ना हम और ये मूवी भी फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है मुझसे दोस्ती करोगे और ये मूवी भी फ्लॉप हो जाती है। 2003 में इनकी मूवी आती है मैं प्रेम की दीवानी हूँ और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। दोस्तों इसी तरह से इनकी चार मूवी लगातार फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद इनकी मूवी आई कोई मिल गया और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट हो जाती है। भाई साहब ये मूवी मुझे काफी अच्छी लगी थी। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2004 में इनकी मूवी आती है लक्ष्य और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। 2006 में इनकी मूवी आती है क्रिस और मेरे दोस्त ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। ये मूवी सिनेमा घरों में काफी अच्छी चली थी। इसके बाद इनकी मूवी आती है धूम 2 और ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। 2008 में इनकी मूवी आती है जोधा अकबर और ये मूवी एवरेज हो जाती है। इसके बाद 2009 में इनकी मूवी आती है लक बाय चांस और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद 2010 में इनकी मूवी आती है काइट्स और ये मूवी भी फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद 2011 में इनकी मूवी आती है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और भाई साहब ये मूवी हिट हो जाती है। इसके बाद 2012 में इनकी मूवी आती है अग्निपथ और ये मूवी भी हिट हो जाती है। इसके बाद 2013 में इनकी मूवी आई क्रिस 3 और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। इस मूवी को काफी लोगों ने पसंद भी किया था। 2014 में इनकी मूवी आती है बैंग बैंग और ये मूवी सेमी हिट हो जाती है। 2016 में इनकी मूवी आती है महीन जदारो और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद 2017 में इनकी मूवी आई थी काबिल और ये मूवी सेमी हिट हो जाती है। इसके बाद 2019 में इनकी मूवी आई थी सुपर 30 और भाई साहब ये मूवी इनकी हिट हो जाती है। इसके बाद इनकी मूवी आई वार और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। इसके बाद 2022 में इनकी मूवी आती है विक्रम बेथा और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। तो दोस्तों ये था ऋतिक रोशन जी का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।